नमस्कार, मैं हूं शैली खंडेलवाल और आप देख रहे हैं देश रोजाना। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत योजना के अंतर्गत आज पलवल के गांव फजलपुर में किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर किसान के खेत से मिट्टी के नमूने लिए गए, ताकि किसानों को भूमि की उर्वरक शक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कराने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जा सके। कृषि उप निदेशक पलवल डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि जिले के प्रत्येक किसान को खेती करने से पहले खेत की मिट्टी व पानी की जाँच अवश्य करवानी चाहिए। भूमि में मौजूद पोषक तत्व के आधार पर ही किसान फसलों की बिजाई का चयन करे। उन्होंने कहा कि मिट्टी में उर्वरक शक्ति होगी तो फसल की पैदावार भी अधिक होगी। डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि हर खेत स्वस्थ खेत योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों से मिट्टी व पानी के नमूने लिए जा रहे हैं। इसके उपरांत प्रयोगशाला में मिट्टी व पानी की जांच की जाएगी। जांच के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी हासिल होगी, जिसके अनुरूप किसान अपने खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन बनाकर फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी व पानी की जांच के बारे में किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। हतीन ब्लॉक में 29,000 सैंपल लेने का टारगेट विभाग द्वारा दिया गया है, जबकि प्रतला ब्लॉक में 27,000 सैंपल लिए जाएंगे। किसानों को कार्ड पर अंकित मात्रा के अनुसार ही खेत में खाद डालना होगा। ऐसा करने से फसल की लागत कम हो जाएगी और किसानों को आर्थिक लाभ होगा। किसान दलजीत सिंह ने बताया कि फसल की बिजाई करने से पहले किसानों को मिट्टी व पानी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड से भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिन पोषक तत्वों की कमी से उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद डालें और कीटनाशकों का प्रयोग करें, ताकि भूमि में स्वास्थ्य में सुधार हो सके और फसलों की पैदावार में लगातार बढ़ोतरी हो। खेती में सबसे पहले हम मिट्टी और पानी की जांच करा के लैब से एक सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करते हैं। हमारी एक स्कीम चली हुई है, हर खेत स्वस्थ खेत। इसी के तहत हम सैंपलिंग अभियान छेड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि अभी खेत खाली हैं। उसी कड़ी में आज फैजलपुर गांव में हमने जागरूकता अभियान के तहत सैंपलिंग शुरू की है। इसमें पहले 100 के आसपास इस गाँव में सैंपल हो चुके, तो आज हम और सैंपल यहाँ पे लेंगे, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। ये पिरथला ब्लॉक है, इस बार हथीन और पिरथला दो ब्लॉक का हमारे को टारगेट दिया गया, जिसमें हथीन में 29,000 सैंपल लेने हैं और पिरथला ब्लॉक में 27,000 सैंपल लेने हैं। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को देंगे, जिससे किसानों को एक ये फ़ायदा होगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो लागत है ना खेत में, वो कम हो जाएगी, क्योंकि खेत जो कार्ड पे अंकित मात्रा के अनुसार ही उसको खाद देना पड़ेगा। इससे किसान को बहुत फायदा है। देखिए, उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ेगी अगर मिट्टी की जांच हो जाए, पानी के लिए, खाद बीज के लिए, उससे पता चलेगा कितनी कमी है कितनी कमी नहीं है, तो उससे जो फायदा होगा सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है। बिल्कुल, अगर इससे फायदा हो रहा है तो सभी किसानों को जांच करानी चाहिए अपने खेतों की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।